नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए आजकल चैनल पर लमसम को लेकर भी कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने स्पेशल कमेंट किया था कि सर लमसम पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लमसम निवेश पर ही बात करेंगे। लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश। अगर आपके पास कुछ पैसा है, मतलब आपके पास एक्सेस है वो पैसा, जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले 5 साल 8 साल 10 साल नहीं है, तो आप उस पैसे का लमसम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। देखिए लमसम कभी भी उस पैसे का आप मत करिएगा जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले 6 महीने 1 साल या 1.5 साल में ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि ये पैसा निवेश करना कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लमसम पैसा वही कीजिए जिसकी ज़रूरत आपको काफ़ी टाइम बाद पड़ने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लमसम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल लमसम के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि अभी लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कौन से फंड में अभी लमसम किया जा सकता है, किस में हमें बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए बेस्ट फंड्स फॉर लमसम पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी लमसम क्यों करना चाहिए, बिल्कुल ये भी एक सवाल निकल कर आ रहा था। देखिए सर लमसम कब करना चाहिए, अगर इस पर मैं डिस्कस करूं आप लोगों से। देखिए लमसम अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए लमसम कर रहे हैं, तो कोई भी समय आपके लिए बढ़िया हो सकता है। मार्केट के अप एंड डाउन से लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ सकता है, अभी मार्केट डाउन है, इस समय आपने लमसम किया, आपको कम रेट की NAV मिलेंगी। जब मार्केट हाई होगी उस समय आप लमसम करेंगे तो आपको ज़्यादा रेट की NAV मिलेगी, डिफरेंस तो आता है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है मार्केट को देखने का कि कब अब मार्केट अप है कब डाउन है कब क्या होगा, तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आजकल का जो समय चल रहा है मार्केट में, हमें करेक्शंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो इस समय लमसम किया जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड पर थोड़ा देखते हैं। देखिए निफ्टी 50, ये कल का स्क्रीन शॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब ये स्क्रीन शॉट लिया गया था 25,057, ये आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का मैंने स्क्रीन शॉट आपके सामने शेयर किया है। देखिए मार्केट 25,200 से काफ़ी गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली है, तो बिल्कुल ऐसी गिरावट में लमसम करने के बेनिफिट आपको हो सकते हैं। लेकिन मार्केट को कभी भी टाइम करने के चक्कर में आप मत रहिएगा कि मार्केट कल गिरेगी या परसों गिरेगी तब मैं लमसम करूँगा। जब भी आपको मौका मिले आप लमसम कर सकते हैं। देखिए लमसम करने के लिए ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख या 3 लाख रुपये हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन आपको दिखे कि अभी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है, आप उसमें से कुछ पैसा लमसम कर दीजिए। फिर से मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव तो देखिए हमेशा ही चलता है, तो जब भी मार्केट में गिरावट दिखे कुछ पैसा लमसम कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते तो अभी की जो मार्केट कंडीशन आप देख रहे हैं आप अभी भी लमसम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय में तो हमने देखा है कि मार्केट में आपको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मार्केट हमेशा आपको ऐसे ही देखती, लंबे समय में ऐसे ही देखने को मिलने वाली है। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये BSE सेंसेक्स है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 81,820 -152.93 जो था ये डाउन हमें देखने को मिला था। देखिए अब लमसम करते समय कुछ गलतियाँ भी हम लोग कर देते हैं, क्या गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं उस पर बात करते हैं। देखिए हम लोग कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, हम लोग लमसम कर रहे हैं लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं। हमारा गोल बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ मुझे आने वाले 10 साल के बाद या 15 साल के बाद इस पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं लमसम कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग उस पैसे को बीच में विड्रॉल नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लमसम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे 15 साल बाद ज़रूरत होगी, तो मैंने उसी के नाम से वो लमसम कर दिया। अब मैं बीच में उस पैसे को विड्रॉल नहीं करूँगा, इसलिए गोल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है एमरजेंसी फंड ना होना। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है, मुझे सारा पैसा लमसम नहीं करना है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। एमरजेंसी फंड हमारे पास हर समय थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो पैसा है उसको मैं हमेशा मार्केट में निवेश रखूं, ये भी हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बिना रिसर्च के निवेश करना भी हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आप जब निवेश करें बिल्कुल आपको रिसर्च
ज़रूर करनी चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड में लमसम मैं कर सकता हूँ, किस में कितना रिस्क है, किस में कितने रिटर्न्स हैं, तब आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मेरे लिए ये म्यूचुअल फंड सही है। क्योंकि देखिए, सभी के लिए हर एक म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता, किसी की रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, किसी की रिस्क टॉलरेंस कम है। तो बिना रिसर्च के बिल्कुल भी हमें लमसम नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की कमी, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपना जो पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन पे मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में जोर देता हूं कि जब भी आप निवेश करें डाइवर्सिफिकेशन पे ज़रूर फोकस करें। मान लीजिए 5 लाख रुपए का लमसम करना है, उसको एक म्यूचुअल फंड में नहीं करना है, ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा होगा। थोड़ा सा लार्ज कैप रखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप रखिए, थोड़ा सा मिड कैप रखिए, इस तरह से लमसम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा स्टॉक्स तक आप अपने पैसे को निवेश कर पाएंगे, ज़्यादा सेक्टर्स पर आप फोकस कर पाएंगे। अगला पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस पर निर्भर करना। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि पिछले एक साल के रिटर्न्स देखते हैं, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते हैं कि पिछले एक साल में परफॉर्मेंस अच्छी है, उठाया पैसा उसी में लमसम कर दिया, ये भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फंड की परफॉर्मेंस ज़रूर देखनी चाहिए कि लास्ट के 1 ईयर तो ठीक है, लेकिन क्या पिछले 5 साल 8 साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स बनाए हैं वो कंसिस्टेंट्स बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं, इन चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो की अनदेखी करना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देखना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड से कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं, हमारे जो रिटर्न्स बनेंगे उसमें से ये एक्सपेंस रेशियो माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को ज़रूर हमें ध्यान में रखना है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में आपको 1% का एक्सपेंस रेशियो देखा जा रहा है, किसी में आपको 0.7% का एक्सपेंस रेशियो देखा जा रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देखिएगा, इससे भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफेक्ट हमारे रिटर्न्स पर पड़ता है। एग्जिट स्ट्रेटजी का भाव, ये क्या पॉइंट है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए हमने मान लीजिए लमसम निवेश किया, कई बार लोग जल्दबाजी में पैसा विड्रॉल करते हैं। देखिए अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करेंगे तो आपको STCG देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल बाद पैसे को विड्रॉल करेंगे तो आपको LTCG देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जब आप LTCG पे करेंगे तो उस पर आपको 1,25,000 तक की छूट भी मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आपने 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल किया तो वहां आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि पैसे को बहुत जल्दी विड्रॉल नहीं करना है, बहुत इमरजेंसी है उसकी बात एक अलग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप फंड मैंने यहाँ लमसम के लिए रखे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड का बेनिफिट ये होता है कि ये मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मतलब निवेश करता है। यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, चाहे तो मिड कैप में और चाहे तो स्मॉल कैप में, ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने जो एलोकेशन हैं उनको चेंज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलता है। देखिए फंड भी मैंने कुछ रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, ये भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का शानदार फंड है। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, एग्जिट लोड 2% है, फंड साइज 82,441 करोड़ है, काफ़ी पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। फंड की एज 11 साल 5 महीने, यानी कि 13 मई 2013 का ये म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, लमसम SIP दोनों इसमें की जा सकती है। बाकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। देखिए यहाँ इस फंड के रिटर्न्स हैं, यहाँ कैटेगरी एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए पिछले 5 साल में 27% के रिटर्न्स हैं, कैटेगरी एवरेज 22.8% है। पिछले 10 साल में 19.84% के रिटर्न्स हैं, कैटेगरी एवरेज 16.86% हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा इसकी एलोकेशंस भी देखें, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 71% का, मिड कैप में 5.42 है, और स्मॉल कैप में केवल 4.32% पैसा निवेश किया जा रहा है। ये इसके एलोकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए अगला जो फंड है वो HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो फंड साइज़ है 66,225 करोड़ का है, बाकी 11 साल 9 महीने पुराना ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.76% का हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रिटर्न्स पिछले 1 साल में 44% है, पिछले 5 साल में 25 है, और पिछले 10 साल में 16.95% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए होल्डिंग्स को आप देखिए, लार्ज कैप में 74 है, मिड कैप में 2.53 है, और स्मॉल कैप में 9.85% हमें देखने को मिल जाते हैं।
देखिए रिटर्न्स आपने देखे, रिटर्न्स काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं पिछले एक साल में। अगर आप देखेंगे तो 44% के रिटर्न्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पिछले एक साल के रिटर्न्स देखकर निवेश नहीं करना है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी म्यूचुअल फंड का देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला फंड देखते हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए ये फंड भी 11 साल 9 महीने पुराना है, एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है, 53,844 करोड़ रुपये लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ देखिए एलोकेशंस किस तरह से रखे गए हैं, लार्ज कैप में 73% है, मिड कैप में 20% है और स्मॉल कैप में 5.27% है। बाकी यहाँ रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, लंबा ही ट्रैक रिकॉर्ड देखें डायरेक्टली तो पिछले 10 साल में 16.83% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अगला फंड SBI का फ्लेक्सी कैप आ जाता है, एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, फंड साइज 23,489 करोड़ का हमें देखने को मिलता है, 11 साल 9 महीने पुराना ये फंड है, लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। होल्डिंग्स देखें तो यहाँ लार्ज कैप में कम है, 55% है, मिड कैप में 22 है और स्मॉल कैप में 20% की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। रिटर्न्स देखें पिछले एक साल में 31% है, पिछले 5 साल में 18.97% है और पिछले 10 साल में 16.4% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अगला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, 23,905 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल जाता है। देखिए 11 साल 9 महीने पुराना ये भी फंड है, लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न्स देखें पिछले 3 साल में 15%, पिछले 5 साल में 21% और पिछले 10 साल में 16.94% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। लार्ज कैप में 68% है, मिड कैप में 18% और स्मॉल कैप में लगभग 12% की होल्डिंग्स ये म्यूचुअल फंड रखता है। तो दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स थे जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखे थे। देखिए सभी में होल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेगी, किसी में लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, किसी में लार्ज कैप का एलोकेशन कम है। तो ये कुछ बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आप लोग भी अगर लमसम निवेश करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को इनमें से आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने लिए आप एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने भी इन फंड्स में निवेश किया हुआ है तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपके पास कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि लमसम निवेश के लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।